हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर इनकमिंग कॉल आने पर रिसीव नहीं हो रहा है तो कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ऊपर ऐप मैनेजमेंट या मैनेज ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जहाँ पर सभी ऐप्स रहते हैं उस सेटिंग्स में आ जाएंगे, इसी सेटिंग्स में आना है और नीचे आकर फ़ोन वाले ऐप को खोजना है। तो देखिए यहाँ पर है फ़ोन वाला ऐप, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर देना है। अब यहाँ पर परमिशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और नीचे आना है। अब चेक करना है, अगर कोई परमिशन अलाउ नहीं रहेगी तो इसे अलाउ करना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है नॉट अलाउ और इसके नीचे जो भी परमिशन है अलाउ नहीं है। तो हम क्लिक करते हैं और ऊपर ऑप्शन आ रहा है अलाउ का, अलाउ ओनली वाइल यूजिंग दी ऐप, इस पर क्लिक करके बैक आते हैं। तो देखिए परमिशन अलाउ हो गया, इसी तरह सभी परमिशन को अलाउ कर देना है। देखिए सभी परमिशन अलाउ हो गई, अब आना है बैक। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा, स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। ऐसा करने से कोई नंबर भी डिलीट नहीं होगा। तो अब आना है होम स्क्रीन पर। अब अपने फ़ोन को रीस्टार्ट या रिबूट करना है। कैसे करेंगे तो देखिए जो फ़ोन का पावर बटन है जिससे मोबाइल लॉक करते हैं, इस बटन को कुछ सेकंड तक दबाकर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट या रिबूट का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही फिर से क्लिक कर देंगे तो फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा। इससे कुछ भी डिलीट नहीं होगा और जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी। अब जब भी कॉल आएगा तो रिसीव कर पाएंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।